स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड के दोस्तों क्लास 11 के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आपका जो कल वीकली टेस्ट होगा ज्योग्राफी का यानी दोस्तों भूगोल का, उसका दोस्तों हम लोग जो क्वेश्चन आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। और इस बार जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि इस बार का एक जो आपका वीकली टेस्ट का एग्जाम पैटर्न है अलग होगा, 10 एमसीक्यू प्रश्न होगा और बाकी दोस्तों आपका जो 6 आपका सब्जेक्टिव प्रश्न होगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के दोस्तों हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर यदि दोस्तों आप चैनल पर पहले और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप सभी का ज्योग्राफी का जो पहला प्रश्न दोस्तों कहता है, यदि धरातल पर वायु दाब 1000 मिलीबार है तो, ठीक है, धरातल से दोस्तों 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायु दाब कितना होगा। अगर धरातल यानी कि जमीन पर दोस्तों वायु दाब प्रेशर कितना है, 1000 मिलीबार है, ठीक है। और यदि इसका एक किलोमीटर ऊंचा हो जाए, 1 किलोमीटर क्या हो जाए, ऊंचा हो जाए, तो इसका बाद जो प्रेशर ये यहाँ पर कितना होगा। तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा यहाँ पर 100 माइनस कर लीजिएगा 1000 में 100 माइनस होगा तो 900 बचेगा, तो 900 मिलीबार होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जितना दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों कल के वीकली टेस्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए दूसरा दोस्तों आपका प्रश्न कहने वाला है, वायु दाब ऊंचाई के साथ क्या करता है। वायु दाब दोस्तों ऊंचाई के साथ क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, स्थिर बना रहती है, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। वायु दाब ऊंचाई के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। चलिए तीन नंबर में दोस्तों आपसे भी सब प्रश्न पूछा गया है, अंतर उष्ण कटिबंध अभिसरण क्षेत्र पराया कहाँ होता है। तो ये जो आपका उष्ण कटिबंध अभिसरण जो क्षेत्र है दोस्तों क्या अंतर वाला, ठीक है, तो ये कहाँ होता है, ये कहाँ पाया जाता है, किसके निकट पाया जाता है। तो ये विषुवत वृत्त के निकट पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से देख लीजिए, जितना भी दोस्तों को जरूर सीख लीजिएगा। चार नंबर दोस्तों आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सी, ठीक है, मौसमी पवने है। मौसमी पवने को हम लोग क्या कहते हैं, क्या पछुआ पवने या जल समीर व स्थल समीर या ध्रुवीय पवने या कहते हैं मानसून पवने। तो मानसून पवने का तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए चैनल पे दोस्तों पहली बार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। पांच में दोस्तों पूछा गया, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, निम्न वायु दाब के चारों तरफ पवनों की दिशा क्या होगी। उच्च गोलार्ध में निम्न वायु दाब के चारों तरफ उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, उच्च नहीं, उत्तरी गोलार्ध जो है दोस्तों उसमें निम्न वायु दाब होता है, इसके चारों तरफ जो पवन होता है इसका दिशा कैसा होता, तो जो घड़ी की सुइया चलती है इसके दिशा के अनुरूप होता है। यानी कि जिधर जिधर घड़ी की सुइया चलेगा, मान के चलिए घड़ी का सुइया इधर चला तो इसका दिशा भी इधर होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए छह नंबर दोस्तों आपसे पूछा गया है, वायु दाब साफ यहाँ पर मापने हो जाते हैं, वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो वायु दाब दोस्तों मापने के लिए हम लोग कहते हैं किसका प्रयोग करते हैं, तो क्या थर्मामीटर या हाइग्रोमीटर या एनिमोमीटर या बैरोमीटर। तो बैरोमीटर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फ्रॉम 6 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों सात नंबर आपसे पूछा गया है, वायु राशियों के निर्माण के उद्गम क्षेत्र निम्नांकित में से कौन सा है। तो वायु राशियों के निम्न निर्माण के लिए उद्गम क्षेत्र जो है निम्नलिखित में से निम्नांकित में से कौन सा है, क्या विषुवत पवन हिमालय या साइबेरिया का मैदानी भाग। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साइबेरिया का मैदानी भाग, ठीक है। चलिए आठ नंबर दोस्तों आपसे पूछा गया, निम्न जो निम्नांकित, ठीक है, निम्नांकित में से कौन स्थानीय शीत पवन है, स्थानीय शीत पवन कौन है। तो यहाँ पर बोरा ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों आपसे पूछा गया है, 9 नंबर का प्रश्न, निम्नांकित में से किन पवनों को हिमपक्षी अथवा हिमहरिणी कहा जाता है। हिमपक्षी अथवा हिमहरिणी, हिम माने बर्फ हरनी हवा, बर्फ हरनी पवन कहते हैं, किसको कहते हैं। तो चिनूक ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। चलिए दसवां प्रश्न दोस्तों जो कि आपका एमसीक्यू इज द लास्ट क्वेश्चन, दसवां प्रश्न कहता है, क्या कहता है कि भूमध्य रेखीय खंड में निम्न वायु दाब पेटी का मुख्य कारण है, इसका जो कारण है ये क्या है। तो ये समवायिक धाराएं हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए छह आपका सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सबसे पहले अति लघु उत्तरीय, उसके बाद लघु उत्तरीय, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी का अति लघु उत्तरीय में 2 प्रश्न रहेगा जो कि 2 नंबर का रहेगा 1 प्रश्न, ठीक है, यानी कि 4 नंबर का 2 प्रश्न रहने वाला है।
तो पहला प्रश्न दोस्तों कहा गया प्रश्न है पहला संघन से आप क्या समझते हैं, संघन से क्या तात्पर्य है, तो संघनन मतलब क्या होता है, तो वायु में उपस्थित जल वाष्प का ताप गिरने पर जब उसका घनीभवन होता है उससे ही संघनन कहते हैं। वायु में जो उपस्थित जल वाष्प में ना क्या आसपास क्या जल वाष्प है कि नहीं, वाष्पीकरण जो उठ रहा है इसमें क्या जब मारिएगा मतलब कि चश्मा पे दोस्तों फूक मारिएगा तो वहां पर पानी तो वायु उसको ही जल वाष्प कहते हैं। जब इसका ताप गिर जाता है तब उसी में घनीभवन होता है और उसी को संघनन कहते हैं और ये क्या करता है इकट्ठा कर लेता है। ठीक है चलिए प्रश्न दूसरा चक्रवर्तीय वर्षा का क्षेत्र बताइए, तो क्या होता है तो आयन रेखा होता मध्य अक्षांश में। ठीक है क्या बोलता है अधिकांश वर्षा चक्रवर्तों द्वारा ही होता है, उत्तरी भारत भी चक्रवर्तीय वर्षा का क्षेत्र है। आयन रेखा तो मध्य अक्षांशों में अधिकांश वर्षा चक्रवर्ती द्वारा होती है और उत्तरी भारत जो है आपका इसमें चक्रवर्ती वर्षा ही होता है। तो ये रहा थी लघु उत्तरीय प्रश्न, चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं बिना देरी के। ठीक है तो दोस्तों नेक्स्ट है लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें भी दो प्रश्न पूछे बल्कि तीन नंबर का रहेगा, छह नंबर दिलाएगा। ठीक है कहता भूविक्षेपी ठीक है पवने क्या है, तो भूविक्षेपी पवने क्या है दोस्तों, तो जब समदाब रेखाएं सीधी हो और घर्षण का प्रभाव ना हो तो दाब प्रवण क्या होता प्रवणता बल कोरी ओलिस बल से संतुलित हो जाता है और फलस्वरूप जो पवने हैं समदाब रेखाएं का समानांतर बहती है और ये पवने भूविक्षेपी पवने के नाम से जानी जाती है। ठीक है इस प्रकार से लिख लीजिएगा। दूसरा का प्रश्न दोस्तों आपसे कहा गया है समुद्र व स्थल समीर का वर्णन करें, तो दिन के दौरान स्थल भाग समुद्र की अपेक्षा गति गर्म हो जाता है अतः कह सकते हैं कि जो स्थल पर हवाएं ऊपर उठती है और निम्न दाब क्षेत्र बनती है जबकि समुद्र अपेक्षित ठंडे रहते हैं और उन पर उच्च वायु दाब बना रहता है। दिन के दौरान जो स्थल भाग है दोस्तों समुद्र की अपेक्षा क्या होता अधिक गर्म होता है, समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म होता है दिन का स्थल जो भाग होता है और जो स्थल पर हवाएं चलती ऊपर उठती है तो निम्न दाब क्षेत्र बना होता है और इसी में अगर समुद्र का जो अपेक्षित क्षेत्र ठंडा होता है और उन पर उच्च वायु दाब बना होता और इसे समुद्र से दोस्तों स्थल की ओर दाब जो प्रवणता उत्पन्न होती है और पवने समुद्र से स्थल की तरफ समुद्र समीर के रूप में प्रभावित होती है। रात्रि में इसके एक कदम विपरीत प्रक्रिया होती है, स्थल समुद्र की अपेक्षा जल्दी ठंडा हो जाता क्योंकि दोस्तों देखिए जब समुद्र ये धीरे धीरे गर्म होता है ठीक है कैसे होता है धीरे धीरे गर्म, लेकिन जो स्थल है दोस्तों ये जल्दी से ताप पकड़ लेता है जल्दी से ठंडा पकड़ लेता है, लेकिन जो पानी है आप जानते हैं इसको ठंडा होने में लेट होता है उबलने में लेट होता है। ठीक है तो इस प्रकार से आगे दाब प्रवणता स्थल से समुद्र की तरफ प्रभावित होता है और जिसे क्या होता है स्थल समीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है इस प्रकार से लिख लीजिएगा। चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम लोग एंटर कर चुके हैं, इसमें भी दो प्रश्न पूछे जाएंगे, पांच नंबर का रहेगा दस नंबर का रहने वाला ठीक है टोटल। तो पहला प्रश्न कहता है पवनों की दिशा का वेग ठीक है वह वेग को प्रभावित करने वाले कारक है, तो पवन की दिशा व वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो पवन की दिशा व वेग तीन संयुक्त प्रभावों के कारण होता है, कौन कौन से लिए? पहला है दाब प्रवणता बल के कारण, दाब प्रवणता बल के कारण कैसे पवन की दिशा व वेग प्रभावित होता है, पवन का दिशा एक से दूसरी जगह मुड़ जाता है इसका स्पीड कम हो जाता है वेलोसिटी कम हो जाता है। ठीक है देखिए तो वायुमंडलीय दाब प्रवणता एक बल उत्पन्न करता है, दूरी के संदर्भ में दाब परिवर्तन की दर दाब प्रवणता है, जहां सम दाब रेखाएं पास पास होती है जहां सम दाब रेखाएं पास पास होती है वहां दाब प्रवणता अधिक व सम दाब रेखाएं दूर दूर होने से दाब प्रवणता कम होता है। जब समदाब दोस्तों पास होगा तो प्रवणता जो आपका है अधिक से यानी कि दूर दूर हो जाएगा। ठीक है चलिए दूसरा का दोस्तों घर्षण बल है, तो घर्षण बल से किस प्रकार जो है पवन का दिशा में चेंज होता है पवन का वेग में चेंज होता है, तो यह पवन की गति को प्रभावित करता है, जो घर्षण बल है पवन की गति को क्या होता है प्रभावित करता है वेलोसिटी को यानी कि वेग को प्रभावित करता है। तो धरातल पर घर्षण ठीक है सबसे अधिक होता है और इसका प्रभाव प्रायः धरातल से 1 से 3 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है, समुद्र सतह पर घर्षण न्यूनतम होता है क्योंकि समुद्र है एक जो जल है जल पे घर्षण कम होता है। ठीक है चलिए आगे आपका कोरिओलिस बल है ठीक है, तो इसमें दोस्तों कैसे तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन पवनों की दिशा को प्रभावित करता, सन 1884 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने इसका वर्णन किया था प्रस्तुत किया है कि इसी पर इस बल को कोरिओसिन बल कहा जाता है और इस प्रभाव से पवन उत्तरी गोलार्ध में अपने मूल दिशा से दाहिनी तरफ व दक्षिणी गोलार्ध में बार बार जो बार तरफ विक्षेपित हो जाता है। इस प्रकार से उत्तर को लिख लीजिएगा, तीन कारण था ठीक है,
आपका जो है पवन का दिशा और वेग को चेंज करता है। चलिए दूसरा का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कहता है प्रश्न की पृथ्वी पर वायुमंडलीय समान परिसंचलन का वर्णन करते हुए चित्र बनाए और 30 डिग्री व उत्तरी दक्षिणी आपका जो उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों पर उपोषण कटिबंधीय उस उच्च वायुदाब के संभव कारण लिखे। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों मैं आपको उत्तर बता देता हूँ, चित्र आप अपने मन से समझ के बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए वायुमंडलीय समान परिसंचलन महासागरीय जल को भी गतिमान करता है जो पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करता है। उच्च ताप उच्च सूर्य ताप व निम्न वायुदाब होने में अंतर उष्णकटिबंधीय आवेशन क्षेत्र ITCG पर वायु संवहन धाराओं के रूप में ऊपरी उठता है। उष्णकटिबंध से आने वाले जो पवन हैं इस निम्न दाब क्षेत्र में अभिसरण करती है। अभिसरित वायु संवहन कोष्ठों के साथ ऊपर उठती है या सौभ मंडल के ऊपर 1400 किलोमीटर ऊंचाई के ऊपर उठती है और फिर ध्रुवों की तरफ प्रभावित होती है और इसके परिणाम स्वरूप 30 डिग्री व उत्तर में दोस्तों 30 डिग्री व दक्षिण में 30 डिग्री अक्षांश पर वायु एकत्रित हो जाता है और इस एकत्रित वायु का अवतलन ठीक होता है। तो यह उपोषण दाब बनता है और अवतलन का एक कारण है कि जब वायु 30 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश पर पहुंचती तो ये ठंडी हो जाती है। इस प्रकार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कवर किए हैं वीकली टेस्ट के बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों हम लोग इस तरह और भी नए वीडियो में।